मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने सोमवार को घोसीपुरवा में राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान 21 बच्चों के पोषण स्तर की जांच की गई, जिसमें 4 बच्चे अति कुपोषित मिले। इस दौरान शांति और जोगेंद्र के पुत्र बाबू एवं निवेदिता और अर्जुन के पुत्र आर्यन का मुख्य विकास अधिकारी द्वारा अन्न प्राशन करवाया गया, जबकि धनंजय की पत्नी सिमरन की गोद भराई की रस्म भी कराई गई। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने राष्ट्रीय पोषण माह का उद्घाटन करते हुए कहा कि कुपोषण को दूर करके हर प्रकार की बीमारी से देश के भविष्य की रक्षा की जा सकती है। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि शासन की ओर से कुपोषण को दूर करने के लिए तरह तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन बिना सामुदायिक सहयोग के इनका सफल हो पाना संभव नहीं है। बच्चे देश के भविष्य हैं, इसलिए उन्हें सही पोषण मिलना चाहिए। उन्होंने बताया कि पिछले 3 वर्षों से प्रत्येक वर्ष सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह के तौर पर मनाया जाता है। इस वर्ष कोरोना के कारण प्रोटोकॉल संबंधित कुछ बदलाव किए गए हैं, लेकिन चुनौतियों के बीच कुपोषण के खिलाफ लड़ाई जारी रखनी है। उन्होंने कहा कि कोरोना की रोकथाम के में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विशेष महत्व है और कोई भी कुपोषित ये क्षमता नहीं रखता है। इस मौके पर कार्यवाहक जिला कार्यक्रम अधिकारी महेंद्र चौधरी, CDPO प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, सुपरवाइजर रोमा सिंह, मोहित सक्सेना, सहायिका शशिबाला, दीपावली शांति, साधना, शोभा सिंह, रूबी सहित अन्य विभागीय अधिकारी और महिलाएं मौजूद रही। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा, दूध नहीं लेना है, नहीं तो आयरन बचेगा नहीं। ठीक है, कोई खट्टी चीज लीजिए, नींबू का पानी ले लीजिए और कुछ ले लीजिए, लेकिन आयरन खाना अवश्य जरूरी है। क्या खाने में क्या ख्याल रखते हो ताकि मतलब सेहत फिट रहे? क्या क्या एक्स्ट्रा खाते हो? फल खाते हैं, दूध पीते हैं। और ऐसा कोई समस्या तो नहीं, जैसे आपके आपके हस्बैंड क्या करते हैं? सब्जी पर्याप्त मात्रा में खुद होती है, हरी सब्जियाँ खूब खाइए आप। आपको पूरे मानते हैं और किस कौन से बच्चे कम वेट वाले और चार महीने का बच्चा है? ये 4 महीने ख्याल रखिए ना, उसको वेट बढ़ना चाहिए, वजन बढ़ना चाहिए, इस महीने टारगेट रखो। अच्छा, अभी ये ऊपरी आहार नहीं, यही ऊपरी आहार कर देना चाहिए। और खिलाइए इसको, ठीक है? ये देख लीजिए, मैंने अभी कोरोना में जब से आया हूँ पहली अगस्त को ज्वाइन किया, और आते चाहे वो किसी भी उम्र का वो झेल जा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन जो पहले अंदर से कमजोर है और जिसका नींव भी कमजोर रखी गई है, और वैसे कुदरत का नियम भी है, जो मजबूत है वही वही जीत है। किसी भी चीज़ में देखिए, चाहे पढ़ाई ले लीजिए, चाहे समाज ले लीजिए, किसी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट डार्विन की थ्योरी है, बहुत सर फिट बनता ही आगे बढ़ता है। ये हमारा पहले रखते थे सर, जैसे गरीबी का दुष्चक्र है ऐसे कुपोषण का भी दुष्चक्र होता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वैज्ञानिक, ठीक है? तो अब क्या है कि कोरोना के बारे में काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई है। पहले तो आप सब लोग आइवरमेक्टिन और वो खा लीजिए, आइवरमेक्टिन सब, ठीक है? आप सब, लेकिन उसके बाद लापरवाही, मास्क बंद, दूसरा मास्क लगाना, एक और आप ध्यान रखना कि मान लो कि कोई लक्षण आते हैं कोरोना के, किसी को खांसी हो गई, बुखार हो गया, तुरंत टेस्ट कराएं, और टेस्ट करा के PHC से अपना दवाई का किट लें। कोरोना उसको नुकसान करता है जो डिले कर देता है, 5-6 दिन अपना इलाज करते रहते हैं, टेस्ट नहीं कराते, और तब तक फिर वो फेफड़ों में चले जाता है, फिर नुकसान करता है। फिर उसको L2 या L3 का हॉस्पिटल ठीक करना, नॉर्मल जगह ठीक नहीं होगा। तो वैज्ञानिक तरीके से इसको लड़ना है, टेस्ट कराना है, टेस्ट में बिल्कुल पीछे रहना, रोज 3 टेस्ट होता है, 5,000 के करीब रोज टेस्ट कर रहे हैं हम लोग, हमें लोग नहीं मिलते। जो हमारा अभी पोषण माह जो आज से शुरू हुआ है, इसमें हम लोग हर बच्चों को, वैसे तो हम टारगेट कर रहे हैं कि बच्चा कोई भी कुपोषित ना हो,
लेकिन जो पहले अति कुपोषित बच्चे हैं उनका हमने चिन्हीकरण किया है, हर आंगनवाड़ी बार किया है और सारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को ये निर्देश दिया है कि इस एक महीने में इन बच्चों का जो है हमें इनको कुपोषण से निकालना है और इस एक महीने में जो रोज़ की गतिविधियाँ वो पूरी डिफाइन कर दी है और हम लोग इसको बहुत संवेदना से इसको करेंगे और इसमें अपना कुपोषण पर विजय पाएंगे। सर कोरोना काल भी चला है और बच्चों को देखा जाए कुपोषण या कोई भी मनुष्य इस तरह कुपोषण से शिकार है तो कोरोना प्रभाव पड़ता है, उसके लिए भी इनको निर्देश दिए गए। हाँ, मैंने अभी जैसे कोरोना को लेके बताया कि कोरोना से कैसे सावधानी रखनी है, जैसे मास्क बहुत ज़रूरी है कोरोना में और दूसरा इसके अगर मान लो किसी को कोई लगता है कि मुझे कोरोना की शिकायत होने वाली या हो रही है तो वो बताया गया है कि तुरंत अपना टेस्ट कराइए PHC जाके और वहाँ से जो सरकार की तरफ से दवाइयाँ दी जा रही है, निर्देश दिए जा रहे हैं, उसको फॉलो करिए और डरने की कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर हम लोग पूरा प्रिकॉशन लेंगे, मास्क लेंगे, 2 गज की दूरी रखेंगे तो कोरोना पर विजय पा सकते हैं।